Welcome to Learning Campus. Hello everyone. तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीटी 365 का सेकंड सेक्शन करने वाले हैं. हमने फर्स्ट सेक्शन पहली वाली वीडियो में ख़त्म कर दिया था, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स थे. आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, जिसमें कि मेनली हम इसरो पे फोकस करेंगे और बाकी थोड़े और स्पेस मिशन है जो कि नासा के हैं या फिर स्पेस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज आई हैं अभी तक उसको देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सो हमारा सेकंड सेक्शन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें कि पहला टॉपिक है गगनयान. अब गगनयान इसरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि इसमें हम इंडियंस को पहली बार स्पेस में भेजने वाले हैं और इसको भेजने के बाद हम ऐसी फोर्थ कंट्री बन जाएंगे. तो ये नेशनल इंपॉर्टेंट है गगनयान मिशन. तो रिसेंटली इसके लिए अभी एक गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें कि जो मेंबर्स होंगे वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज के होंगे. अब इसके बारे में थोड़ी सी और डेटा है कि जो इसमें ऑफिशियल्स होंगे वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से होंगे, जो कि सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो पीएमओ का डिपार्टमेंट होता है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का, जो फॉर्मल चेयरमैन है इसरो के, और जो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर का, उसके जैसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के इसमें हेड होंगे. अब ये क्या करेंगे कि ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है वो ये टाइमली उसको अपडेट लेंगे कि वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चला है कि नहीं चला है. और ये भी होगा कि जो भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या उन पे जो भी डिफरेंट मॉड्यूल्स पे जो काम चल रहा है हर जगह इंडस्ट्रीज में, इंस्टीट्यूशंस में गगनयान से रिलेटेड, तो टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, सो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. इसके बारे में पहली बार 2004 में बात कही गई थी. फिर फाइनली इस मिशन को, गगनयान प्रोग्राम को अनाउंस किया था 2018 में. फिर अब फाइनली इस प्रोग्राम को कैपेबल बनाने के लिए जो इसरो है हमारी, उसने काफ़ी सारे और भी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है, क्योंकि ऐसे तो ये जा नहीं सकता रॉकेट. तो इसमें स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट था जो किया था, क्रू मॉड्यूल था, अब GSLV मार्क 3, जैसे कि अभी साइड में रॉकेट देख रहे हैं, GSLV मार्क 3 है ये. और इसके अलावा भी काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज है जो कि इसरो ने डेवलप करी है इसी के लिए. अब रिसेंटली इसरो ने एक स्पेस सूट प्रोटोटाइप भी बनाया है, जो कि जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो पहनेंगे. अब इसरो ने जो इसको एस्ट्रोनॉट्स को, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, जो रशियन एजेंसी है स्पेस एजेंसी ग्लैब कॉस्मोस, तो उसको उसके साथ पैक्ट साइन किया है, तो वो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेन करेंगे. और इसके लिए जो इसरो है वो वहाँ से भी फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो कि CNES के नाम से होती है, उससे भी असिस्टेंस ले रही है. किस फील्ड में? स्पेस मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉट हेल्थ में, मॉनिटरिंग में, क्योंकि उनके पास जो इक्विपमेंट वगैरह है वो काफ़ी एडवांस्ड है और अभी तक इसरो ने वो बना नहीं पाया. अब इस मिशन में हुआ क्या? ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये स्पेस में रहेगा और अर्थ की ऑर्बिट करेगा, ये अर्थ के चारों तरफ घूमेगा. और इसमें जो कैपेसिटी है वो 3 लोगों के लिए है, जो कि स्पेस में 7 दिन तक रहेंगे. और जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो इंडिया ऐसी फोर्थ कंट्री बन जाएगा जिसने एक मैन को स्पेस में भेजा होगा. जो इसकी टाइमलाइन है वो ये है कि 2022 तक इसे कंप्लीट करना है, 2022 में इसको हम लॉन्च कर सकें. अब इंसानों को स्पेस में भेजने से पहले इसरो ने 2 फ्लाइट्स और लॉन्च करने की डेट दे रखी है, 2020 में और 2021 में. ये खाली फ्लाइट्स होंगी, इसमें कोई इंसान नहीं होगा, बस रोबोट्स रहेंगे चेक करने के लिए सिस्टम्स की क्या जो स्पेसक्राफ्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं. अब इसके लिए जो रॉकेट यूज़ करा जाएगा वो GSLV मार्क 3 रॉकेट करेंगे. ये एक ऐसा 3 स्टेज हैवी लिफ्ट रॉकेट है, जिसमें कि नेसेसिटी है इतना वजन उठा सकता है कि ये गगनयान को लॉन्च कर सके. ये जो साइड में आप फोटो देख रहे हैं ये GSLV मार्क 3 है. अब इसका जो स्पेसक्राफ्ट होगा ये लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे, 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में, और 16 मिनट के अंदर ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में पहुंच जाएगा, और जहां पे ये 5 से 7 दिन तक रहेगा, और जो टोटल जर्नी होगी वो अराउंड 36 मिनट्स की होगी. अभी आपको इतने सारे टाइमिंग्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये
कोई कंफर्म या फिर एब्सोल्यूट टाइमिंग्स नहीं है कि ये ही होंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए जो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं वो यूपीएससी नहीं पूछता, जो बिल्कुल सटीक होती हैं वही यूपीएससी पूछता है। जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट हो, लो अर्थ ऑर्बिट 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में होता है, तो ये डेटा यूपीएससी पूछ सकती है। अब जो गगनयान का स्पेसक्राफ्ट होगा वो काफ़ी स्मॉल हुआ, जैसे कि रशियन सोयूज होता है या फिर अमेरिका के जो नासा के होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट साइज़ में उनसे छोटा होगा। अब ऑल दो अभी तक ऐसा कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट जो इसरो है वो इंडियन एयरफोर्स के जो कि पायलट्स हैं उनको एस्ट्रोनॉट बना के भेजने वाली है, और जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी रशिया में ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है। अब इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा? तो पहला फ़ायदा तो यही है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एनहेंस हो जाएगी, हमारे एक दुनिया में पहचान हो जाएगी, क्योंकि जो स्पेस डिप्लोमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम स्पेस में जा सकते हैं। फिर ये इकनॉमी और इकनॉमी को भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि हमारे पास फिर ऐसे और ऑर्डर्स आएंगे स्पेस में भेजने के लिए, जैसे कि इसरो ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ के सेटेलाइट्स को भेजती है और उससे उनको चार्ज करती है। और फिर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, अब स्पेस में लेके हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एग्रीकल्चर को लेके, साइंस को लेके, बायोलॉजी को लेके, तो वो भी काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, एक है व्योमित्रा। तो व्योमित्रा क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट सिस्टम है, जैसे कि रोबोट है बस। तो ये ह्यूमनॉइड इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो ह्यूमन की तरह एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। तो हम इसे गगनयान स्पेसक्राफ्ट में भेजेंगे, जिससे कि हम जो काफ़ी सारा डेटा है वो इसके थ्रू रिकॉर्ड कर पाएँ। और इसको डेवलप किया है साइंटिस्ट ने, जो कि कहाँ के हैं, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, बेंगलोर के। अब इसी के रिगार्डिंग एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया है, ये 2019 में जनवरी में बना था, ये इसरो ने ही बनवाया था। ये काम क्या करेगा कि जो भी ओवरऑल गगनयान प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो ये सेंटर देखेगा, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेगा कि प्लानिंग कैसी चल रही है, डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, जो इंजीनियरिंग सिस्टम्स जो कि स्पेसक्राफ्ट में लगेंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं उनके सिलेक्शन को, और वो वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, वो सब कुछ ये यहाँ पे प्लानिंग होगी। तो एक ये नोडल सेंटर टाइप का बना दिया गया है गगनयान मिशन के लिए। अब जो सेंटर है ये अपने काम को पूरा करने के लिए जो एग्जिस्टिंग इसरो के सेंटर्स है पूरे इंडिया में उसकी हेल्प लेगा, और अभी फ़िलहाल इसका जो काम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और UR राव सेटेलाइट सेंटर में, दोनों में बटा हुआ है। अब इसरो इसके लिए ये भी कह रहा है कि जो एक इसके लिए एक अभी तक इस सेंटर की कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो इसरो ने ये बात बोली है कि जो चला केरा कर्नाटक में पड़ता है यहाँ पे इसका सेंटर बनाया जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर ये सारी फैसिलिटीज इंडिया में ही आ जाएगी, तो हमें जो फॉरन में काफ़ी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए या फिर ऐसी और चीज़ों की फैसिलिटीज़ के लिए, वो हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा और हम यहीं पे इंडिया में ही वो चीज़ें एस्टेब्लिश कर लेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि इसरो ने बनाया है। सबसे पहले इसमें PSLV, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो मेनली जो ये बनाया गया है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर रिमोट सेंसिंग के लिए है। और इसका मास क्या होता है, जिसको लिफ्टऑफ मास कहते हैं, ये 1750 kg तक की सेटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट से लेके जो सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ तक जा सकता है। उसकी रेंज है 600 से 900 किलोमीटर तक। लो अर्थ ऑर्बिट्स की रेंज होती है 300 से 400, और पोलर ऑर्बिट्स की होती है 600 से 900। अब इससे पहले एक बार सारे ऑर्बिट्स देख लेते हैं, क्योंकि आगे सारे ऑर्बिटों की बात होगी तो वो समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 300 से 400 किलोमीटर की रेंज में होता है। सेकेंड होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसकी शेप ऐसी होती है। अब इसकी सबके जो रेंज है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट होता है वो होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, तो जो इसमें सेटेलाइट्स प्लेस करी हुई होती हैं वो अर्थ की रोटेशन के साथ साथ चलती हैं, जिससे कि वो कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे हमें दिखाई देती हैं। और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो एक टाइप का जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ही होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जियो स्टेशनरी वाली सेटेलाइट्स इक्वेटर पर प्लेस करी जाती हैं, जिससे कि हमें कॉन्स्टेंटली वो एक ही जगह पर दिखती है।
सेकंड होता है पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये पोलर ऑर्बिट ऐसा होता है जो कि पोल्स से पास होता है, और पोल्स के 30 डिग्री के अंडर में ही पास होता है। और जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है ये भी एक टाइप का पोलर ऑर्बिट ही होता है। अब आपको इनकी बस जो शेप है कि अर्थ में कहाँ से पास होती है याद रखनी, तो अगर कोई भी सेटेलाइट का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि वो सेटेलाइट कहाँ पे प्लेस करी गई है। अब ऑब्वियसली अगर कोई जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही होती है, कोई भी अगर स्पेस वाला मिशन है जैसे कि हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में है। पोलर ऑर्बिट में वो वाली सेटेलाइट्स रखी जाती हैं जो कि वेदर ट्रैक करती हैं या फिर जो मदद के लिए रिकॉनाइज के लिए होती हैं, वैसी सेटेलाइट्स। फिर जो लास्ट होता है ये होता है हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये इस वाले ऑर्बिट की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 35,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो ये जो लॉन्ग टर्म मिशंस होते हैं उस टाइप में सेटेलाइट रखी जाती है इसमें, जैसे कि जो मार्स का मिशन था उसमें इस ऑर्बिट का यूज़ किया गया था। इसमें एक पॉइंट पे तो सेटेलाइट अर्थ के बिल्कुल पास होती है और दूसरे पॉइंट पे अर्थ से बहुत दूर होती है। तो दोबारा से PSLV पे आ जाते हैं। तो जो PSLV है फोर स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, और इसमें सॉलिड स्टेज होती है, लिक्विड स्टेज होती है। फिर ये थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है इंडिया का, और ये ऐसा पहला लॉन्च रॉकेट है जिसमें कि लिक्विड स्टेज भी है। अब इसके बाद इंडिया ने डेवलप किया GSLV रॉकेट, क्योंकि जो PSLV की जो लोड कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, जिससे कि हम जो बड़ी सेटेलाइट थी वो नहीं भेज सकते थे। तो इंडिया ने लॉन्च किया GSLV, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है उससे, और मेनली इस सेटेलाइट का, इस लॉन्च व्हीकल का यूज़ होता है कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को लॉन्च करने में। और कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स लॉन्च करी जाती है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कौन सा होता है, जो कि अर्थ के इस तरीके से होता है, अभी हमने देखा था। अब इसमें भी GSLV के टू वर्जन्स हैं, एक GSLV Mark II। ये थ्री स्टेज का व्हीकल है जिसमें कि चार लिक्विड स्ट्रैपॉन लगा सकते हैं हम, जो ये साइड में आप देख रहे हैं ये स्ट्रैपॉन्स होते हैं। ये मेन रॉकेट है, ये मेन रॉकेट है ये वाला, और ये साइड में जो ये बूस्टर्स लगे हैं इसे स्ट्रैपॉन कहते हैं। तो इसमें चार ऐसे स्ट्रैपॉन लगा सकते हैं। अब इसमें तीन स्टेज होती हैं, जो पहला स्टेज होती है वो तो सॉलिड रॉकेट मोटर होता है, जो दूसरी स्टेज होती है वो लिक्विड की होती है, और तीसरी स्टेज होती है जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज। अब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2,500 किलो तक की होती है, और अगर सेटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करें तो ये 5,000 कैपेसिटी तक जा सकता है, 5,000 किलो तक। अब इसके बाद है GSLV Mark III। ये भी थ्री स्टेज व्हीकल ही है, बट इसमें जो जो क्रायोजेनिक स्टेज है अपर स्टेज, वो इंडिजिनसली मतलब इंडिया ने खुद ही डिज़ाइन करी है, खुद ही बनाई है। अब इसमें भी हम दो सॉलिड फ्यूल स्ट्रैपॉन लगा सकते हैं इंजन के साइड में, एक लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज होती है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो उससे भी ज़्यादा है। 4,000 किलो तक की जो सेटेलाइट्स होती हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स, उनको GTO ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है, और अगर लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करनी है तो ये 10,000 किलो तक की कैपेसिटी है इसकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब जो हमने एक इंडिया ने खुद ही इंडिजिनसली क्रायोजेनिक C-25 इंजन बनाया है, उससे फ़ायदे क्या हैं कि हमें कम फ्यूल में ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है रॉकेट। और इंडिया ऐसा छठा नेशन हो गया है, मतलब तो 6 नेशन की कैटेगरी में आ गया है जिनके पास एक क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, US, रशिया, फ्रांस, जापान, चाइना और इंडिया के पास है। अब इसमें GSLV Mark II या GSLV Mark III काफ़ी डिटेल्स हैं, तो आपको याद क्या क्या रखना है। एक तो मेनली इसमें स्टेजेस कितनी है रॉकेट में, ये याद रखनी है। फिर इसमें स्ट्रैप ऑन लग सकते हैं कि नहीं, वो याद रखना है। और ये इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इसकी जैसे 2,500 किलो से लेके 5,000 किलो तक है, और इसकी 4,000 से लेके 10,000 तक है। तो ये डिटेल्स आपको याद रखनी है, ये मल्टीपल क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब इसके अलावा भी कुछ लॉन्च व्हीकल से जो इसरो ने बनाया, एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम है, ये 500 किलो तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। और अगर ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाता है तो इसकी कैपेसिटी 300 किलो तक की ही है। अब इसको बनाया क्यों था, इसको बनाया इसलिए था कि जो छोटी सैटेलाइट्स होती हैं उनको कम कीमत पे हम स्पेस में भेज सकें। ये बनाया था इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वहाँ पर बनाया गया था।
और ये छोटी छोटी काफ़ी सारी सेटेलाइट्स को एक साथ ले जा सकता है। अब जैसे कि GSLV और PSLV को एक ही तरीके से बना सकते हैं, उनको हम वर्टिकली बना सकते हैं, बट इसको हम वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली दोनों टाइप से असेंबल कर सकते हैं, क्योंकि इसका वजन बहुत कम होता है तो ये आराम से बाद में लोड हो सकता है। अब इसमें भी चार स्टेज हैं, जो पहली तीन स्टेज हैं वो तो सॉलिड प्रोपेलेंट लेती हैं, और जो चौथी स्टेज है वो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल वाली है। अब इसमें काफ़ी आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि जिसका मतलब हो सकता है वो पता ना हो, या फिर पता लगाने की इतनी कोशिश भी ना करें। अब जैसे कि वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, अभी एक्चुअली काम क्या करता है इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें भी चार स्टेज होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है चंद्रयान 2। अब ये न्यूज़ में काफ़ी था पिछली बार, क्योंकि ये जुलाई में लॉन्च हुआ था, बट जो इसका लैंडर था विक्रम वो लॉन्च नहीं हो पाया था ठीक से, जिसकी वजह से जो ये मिशन था पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि जो इसका लैंडर लॉन्च नहीं हुआ, फिर जो रोवर था प्रज्ञान वो भी नहीं निकल पाया, तो जितनी जानकारी हमें चाहिए थी वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाई। तो चंद्रयान 2 ये पूरी तरीके से इंडिया ने अपने आप बनाया था, इंडिजीनियस था पूरा का पूरा, और ये इंडिया का ऐसा सेकेंड लूनर मिशन था, जिससे पहले चंद्रयान 1 भेजा था उसमें खाली ऑर्बिटर था, अब इस वाले मिशन में लैंडर भी था और रोवर भी था। तो जो लैंडर था वो लैंड नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से जो रोवर था लैंडर के अंदर रखा हुआ था वो भी नहीं निकल पाया। जो रोवर था उसमें काफ़ी सारे ऑन बोर्ड इक्विपमेंट्स थे, जिससे कि हम ऑन साइट मतलब लूनर की सरफेस पे ही केमिकल एनालिसिस कर पाते। जिसने इसको लॉन्च किया था वो GSLV Mark 3 रॉकेट था, ये अभी तक का इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, और ये भी टोटली डिज़ाइन और पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही बना है, हमने कहीं बाहर से कुछ भी नहीं लिया इसके लिए। अब इसके कुछ फीचर्स थे चंद्रयान 2 के, एक तो ये पहला स्पेस मिशन था जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था मून के सोलर साउथ पोलर रीजन में, ये इंडिया की पहली अटेम्प्ट थी कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून लूनर सरफेस पे, जो कि फेल हो गई, बट इंडिया अब दोबारा से ट्राई करेगा। और जो ये इंडिया का मिशन था वो टोटली हमारी अपनी टेक्नोलॉजी थी, हमने कहीं से भी हेल्प नहीं ली थी इसके लिए, और इंडिया इसके बाद फोर्थ ऐसी कंट्री बन जाती जो कि सॉफ्ट लैंड करता मून पे, यूनाइटेड स्टेट्स USSR और चाइना ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे चंद्रयान 2 के, हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करना था स्पेस टेक्नोलॉजी में, कि हम भी आराम से सॉफ्ट लैंड कर सकते हैं मून पे, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं अवेलेबल। तो इसकी इससे एक तो हम काफ़ी कुछ डिस्कवर करते हैं लूनर सरफेस पे, हमारी जो स्पेस की है वो स्पेस की अंडरस्टैंडिंग वो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाती है। फिर हम इसके चलते काफ़ी सारे जो अलाइंसेस हैं और कंपनियों से और इंस्टीट्यूशन से और कंट्रीज से करते, और इसकी वजह से एक हमारी जनरेशन आती जो कि साइंटिस्ट इसमें और भी ज़्यादा पार्ट लेते और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब चंद्रयान 2 के कुछ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑल तो अभी पूरे तो नहीं हुए हैं तो इसके बारे में UPSC पूछना नहीं वाला, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब जो अर्थ है ये जो सोलर सिस्टम की जो हिस्ट्री है, अर्थ पे तो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, बट मून पे ये कुछ नहीं हुआ है, मून पे जैसा था वैसे ही है अभी तक। तो वहाँ पे हम काफ़ी सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, किसके थ्रू जो फॉसिल्स होती हैं वहाँ पे, जो रॉक्स होते हैं, जो जो वहाँ की बेड रॉक है, जो इंटीरियर है, उससे हम काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद चंद्रयान 1 ने वहाँ पे खोज करी थी कि वहाँ पे वाटर पार्टिकल्स मौजूद है, तब इसका जो टेस्ट करना था वो ये जो लैंडर उतरने वाला था वो टेस्ट करता इसकी ये सॉइल लेके, बट वो हो नहीं पाया। और जो इसमें नए नए टाइप्स के जो रॉक हैं उनके केमिकल कंपोजिशन का भी टेस्ट करना था, वो भी वो लैंडर जो उसके ऊपर ऑन बोर्ड चीज़ें लगी थी इक्विपमेंट लगे थे उससे करता, बट वो पहुँच ही नहीं पाया, तो ये सब कुछ भी नहीं हो पाया। अब जो मून की लूनर साउथ पोल को ही क्यों सिलेक्ट किया गया वहाँ पे उतरने के लिए, क्योंकि जो लूनर का सरफेस एरिया है वो ज़्यादातर शेडो वाले उसमें रहता है, मतलब शेडो में रहता है, तो जिससे क्या होता है कि वहाँ पे वाटर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे। दूसरी बात, जो वहाँ पे क्रेटर्स हैं वो कोल्ड ट्रैप्स हैं, मतलब जो साउथ पोल है वो आधा शेडो में रहता है, शेडो में रहता है तो वहाँ पे काफ़ी कोल्ड रहता है, तो जो भी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स होंगे वो वहाँ पे जमे हुए होंगे, तो जैसे वो जब मून बना था तब से लेके आज तक वो वैसी के वैसी मिल जाएंगे वहाँ पे,
क्योंकि वो कोल्ड ट्रैप के अंदर बंद हो रखे हैं। तीसरी चीज़ है जो वहाँ का रेगुलिथ है। रेगुलिथ क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है बेडरॉक की, जैसे कि अर्थ में वो सॉइल है, वैसे ही मून पे जो रेगुलिथ है वो हाइड्रोजन एमोनिया, उसमें काफ़ी सारी गैसेस हैं और काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं, तो वो एक एनर्जी का सोर्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो अगर कोई मिशन होगा जो वहाँ पे रुक के, वहाँ पे मेनली हमारा जो रॉकेट फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन होता है, तो हम वाली हाइड्रोजन सीधे हम मून से ले सकते हैं, और जो आगे के मिशन से जैसे हमें मार्स पे जाना है या फिर कोई भी और प्लैनेट पे जाना है तो वहाँ पे हम जा सकते हैं। हमें अर्थ से इतनी सारी हाइड्रोजन या इतना सारा फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर। अब इससे पहले चंद्रयान 1 सबसे पहले भेजा गया था, इसमें बस एक ऑर्बिटर था और ये गया था 2009 में। अब इसकी डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इसका इम्पोर्टेंट है कि जो स्पेसक्राफ्ट है या फिर जो भी ऑर्बिटर है उसके साथ जो रॉकेट लॉन्चर था उसका क्या नाम था, ये PSLV C-11 के साथ गया था, और इसने कुछ काम किए थे ऑर्बिटर ने, वो क्या क्या किए थे। एक तो इसने मून का पूरा एटलस बनाया था, डायमेंशनल पूरा कंपोजिशन कैसा होता है, वहाँ पर क्या क्या पाया जा सकता है, मतलब मेनली उसने मैपिंग करी थी, बस इतना आपको याद रखना है। और इसने पता क्या क्या लगाया कि वहाँ पे वाटर हो सकता है, मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस, ये क्या होती है कि एक टाइम पहले जब मून बना था तो एक टाइम पे वो पूरी मोल्टन स्टेट में था पूरा मून, तो ये मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस होती है, ये इसने प्रूव करी। फिर वहाँ पे एक जो नया रॉक पाया गया उसको इसने डिटेक्ट किया, न्यू स्पिनल रिच रॉक। फिर उसने मून से निकलती हुई एक्सरेस को भी डिटेक्ट किया, तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और काफ़ी तरीके के एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है उसकी सब सरफेस सॉइल पे। अब ये काफ़ी पुराना मिशन है, तो ऑलमोस्ट इसको 10 साल हो गए हैं, तो ऐसा कोई इसकी फाइंडिंग्स वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका ये याद रखना है कि चंद्रयान 1 भेजा था और उसे PSLV से भेजा गया था। अब इसके बाद हमें एक चंद्रयान 3 इंडिया भेजने वाला है, इसरो भेजने वाला है, तो ये इंडिया का थर्ड लूनर मिशन होगा। इसमें भी एज यूजुअल लैंडर होगा, रोवर होगा, प्रोपल्शन सिस्टम होगा, और इस मिशन की कॉस्ट अराउंड 600 करोड़ आएगी, और ये भी लूनर के मून के साउथ पोल पे ही उतरेगा। अब ये भी इन फ्यूचर होने वाला है, अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं है, बस अभी गगनयान को मेनली फोकस में रखना है, तो इसका भी इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली इसमें कुछ है भी नहीं याद करने को। फिर कुछ टर्म्स हैं जो कि स्पेस मिशन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ये पहली है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें कि जो लाइट होती है वो काफ़ी सारी वेवलेंथ से मिलकर बनती है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम उस लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ्स में तोड़ देते हैं, फिर हम उससे काफ़ी डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि वो लाइट कहाँ से आ रही है, किस किस चीज़ से टकराई थी, उसके बारे में हम जानकारी निकाल सकते हैं। अब रिसेंटली इसरो ने एक ऐसी इमेज रिलीज़ करी थी जो कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने ली थी, उसमें जो ऑन बोर्ड जो उसमें इमेजिंग एक मॉड्यूल लगा हुआ था जिसका नाम था इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, तो उसने एक इमेज ली थी, तो वो इसरो ने रिलीज़ करी थी, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी। अभी अब हम मून पे कर क्या रहे हैं, मून पे बेसिकली हम ये इनकी इमेजेस लेके स्पेक्ट्रोमीटर से जो कि इस पर ऑन बोर्ड लगा हुआ था उससे हम उसकी जो सरफेस है उसका कंपोजिशन, उसकी मैपिंग, उसमें कौन कौन से मिनरल हो सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे पेलोड्स थे, जैसे ऑर्बिटर, जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का है उसमें ये सब कुछ लगा हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। अभी क्या क्या है इन पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स हैं, ये ऐसी कुछ नहीं पूछने वाला UPSC। अब विक्रम था जो कि लैंड होने वाला था, इस पर भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट थे, ये भी ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। फिर प्रज्ञान है जो कि रोवर था, इस पे भी ऐसा कुछ इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि ना तो ये याद रहने वाले हैं और ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं जो कि UPSC के लिए नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये नाम याद रखना है कि इसका विक्रम नाम था, इसका प्रज्ञा नाम था, उतना ही इनफ है। सो नेक्स्ट टॉपिक है जियोटेल। अब रिसेंटली जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर है उसने जो मून की सॉइल पे चार्ज पार्टिकल्स डिटेक्ट किए थे जब वो ऑर्बिटर जियोटेल में था। अब चार्ज्ड पार्टिकल्स उसने डिटेक्ट किए, दैट मीन्स मैग्नीशियम वगैरह या फिर एल्यूमिनियम एलिमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं मून की सॉइल पे। अब ये जियोटेल होता क्या है, अब जियोटेल के बारे में बहुत मुश्किल है कि UPSC पूछे,
बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ये जियोटेल होता क्या है। अब जैसे कि अब आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये अर्थ है, ये अर्थ का ऑर्बिट है जिसमें मून घूमता है, ठीक है। यहाँ से सोलर विंड आ रही है, सोलर विंड में होते हैं चार्ज पार्टिकल्स जो कि सन की जो टॉप लेयर होती है करोना, वहाँ से निकल के आते हैं, तो ये अर्थ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है एक, तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो एक स्फेयर बनता है, एक एनवलप बनता है अर्थ के चारों तरफ, तो उसे कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर। अब ये मैग्नेटोस्फेयर जिस तरफ सन होती है अर्थ की, उस साइड से कंप्रेस हो जाता है और उसकी शेप ऐसे करके बन जाती है। तो एक साइड तो ऐसी शेप होती है और दूसरी साइड ये कर्व हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये जो मैग्नेटोस्फेयर होता है उसकी शेप ऐसी हो जाती है। तो जो अर्थ की दूसरी साइड है, एक तो साइड है सन वाली, एक अपोजिट टू सन है। तो जो अपोजिट टू सन वाली साइड होती है उसे जियोटेल कहते हैं। अब जब मून इस जियोटेल में यहाँ पे है और मून के चारों तरफ ऑर्बिटर घूम रहा है चंद्रयान टू का, तब उसने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया मून की सरफेस पे। अब जो ऑर्बिटर है उसके ऊपर एक डिवाइस लगा हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी हेल्प से इसने जो एलिमेंट्स है उसके सिग्नेचर को डिटेक्ट किया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोलर रे है उसमें से कुछ चार्ज पार्टिकल्स मून की सरफेस पे गए, तो वो एक्सरे का काम करते हैं और वहाँ से सिग्नेचर, मतलब वहाँ से वो टकरा के जो ऑर्बिटर में स्पेक्ट्रोमीटर है वहाँ पे पहुँचती है एक्सरे, तो उसके एलिमेंट्स के बारे में हमें पता लगता है। अब ये फिनोमिना हर 29 डेज में होता है। अभी अब इस पैराग्राफ में सारा जियोटेल के बारे में है, वो मैंने समझा दिया आपको, बाकी इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जियोटेल क्या होती है, किससे रिलेटेड होती है। ओके, अब अगला टॉपिक है नाविक। अब पहले एक बार नाविक देख लेते हैं कि नाविक है क्या। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, हर साल ही आता है ऑलमोस्ट। तो नाविक की फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये इंडिया ने अपने आप डेवलप किया है, अपने आप ही डिज़ाइन किया है, हर चीज़ इंडिया की इंजीनियर से आई है। बेसिकली है क्या, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिससे कि हम एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, जैसे कि हम गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं, जीपीएस को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम इंडियन जीपीएस है ये। और ये कितना रीजन कवर करता है, ये 1500 किलोमीटर इंडिया की बाउंड्री से कवर करता है। इसमें टोटल 7 सेटेलाइट हैं, जिसमें कि 3 सेटेलाइट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है और 4 सेटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, ठीक है। और हर सेटेलाइट में 3 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स हैं जो कि एक्यूरेट लोकेशन का डेटा देती है। अब ये जो सिस्टम है दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो कि हर सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीपीएस हम यूज़ करते हैं, और दूसरी रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि मिलिट्री पर्सनल को या फिर आर्मी वगैरह को दी जाएगी, जो कि एनक्रिप्टेड होगी। अब इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं और वो गूगल मैप्स अमेरिकन जीपीएस को यूज़ करता है, उसी तरीके से हम इंडियन जीपीएस का भी सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, किसी को ट्रैक करना हो गया, नेविगेशन हो गया, मैपिंग हो गई, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन हो गया, काफ़ी यूज़ हैं इसके। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है 3GPP, ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि अप्रूव करती है मोबाइल टेलीफोन के प्रोटोकॉल्स को, तो उसने इस नाविक सिस्टम को अप्रूव कर दिया है। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम अपना जो नाविक सिस्टम है अब वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मोबाइल के जो मैन्युफैक्चरर्स है वो इसे हार्डवेयर डिज़ाइनिंग में यूज़ कर पाएंगे, तो अब इसका कॉमर्शियल यूज़ हो पाएगा, क्योंकि जो भी GPS नेविगेशन सिस्टम होते हैं हार्डवेयर लेवल पर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि अभी Xiaomi का नोट 9 प्रो जो मोबाइल आया है उसमें नाविक को सपोर्ट दिया गया है, उसके थ्रू हम नाविक को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप है, वो भी अब नाविक को यूज़ करके IC बना पाएंगी और काफ़ी और प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाएंगी। अब ये 3GPP क्या है, ये थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। इसमें जो 7 मेजर टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने पैचअप करके बनाया है। तो बेसिकली ये जो भी कोई नई चीज़ आती है टेलीफोन से रिलेटेड ऐसी टेक्नोलॉजी, तो उसको अप्रूव करती है वर्ल्ड वाइड यूज़ करने के लिए। अब ये काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ को कवर करती है, जैसे रेडियो एक्सेस हो गया, कोर नेटवर्क हो गया, सर्विस कैपेबिलिटीज़ हो गई, और जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के GPS सिस्टम्स हैं, जैसे कि BDS है, चाइना, गैलीलियो है यूरोप का,
इन सबसे से सपोर्ट है। अब यूएस ने नाविक को अलाइड सिस्टम का दर्जा दे दिया है, उससे क्या होगा कि जो यूएस का जो सिस्टम है जीपीएस और जो हमारा सिस्टम है वो आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकता है। और इसी तरीके से यूएसए ने जो रशिया का ग्लोनास है और चाइनीज़ का बैडू है उसको नॉन अलाइड सिस्टम दिया है कि वो उनसे डेटा एक्सचेंज नहीं करेंगे, बाकी वो यूरोप के गैलीलियो से और इंडिया के नाविक से डेटा को एक्सचेंज करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो पोजिशनिंग है, जो एक्यूरेसी है सिस्टम की, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम भी उनका डेटा यूज़ कर सकते हैं और वो भी हमारा डेटा यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है GSAT 30। अब रिसेंटली GSAT 30 सक्सेसफुली लॉन्च हो गई थी। अब ये GSAT 30 क्या है? GSAT 30 एक इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट है जिसका वजन है 3357 kg। अब इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला गया है और इसरो ने इसको लॉन्च करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी को हायर किया था और उसका रॉकेट था Ariane 5 और बेस था कोराउ लॉन्च पे जो कि फ्रेंच गुयाना में पड़ता है। अब इसरो ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑल दो इंडिया के पास GSLV मार्क 3 है जिसकी कैपेसिटी 4000 kg की है, बट इंडिया ने इसे इसलिए लॉन्च नहीं किया उससे क्योंकि अभी जो हमारा गगनयान प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए उस मार्क 3 रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब GSAT 30 ने जो हमारी इंडिया की इससे पहले की सैटेलाइट थी INSAT 4 है उसको रिप्लेस किया है क्योंकि उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो उसे रिप्लेस कर दिया है। अभी सैटेलाइट इंडियन मेनलैंड के लिए यूज़ की जाएगी और बाकी जो आसपास की गल्फ कंट्रीज़ हैं और एशियन कंट्रीज़ हैं और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी है उसके अंडर में, तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और ये मेनली DTH टेलीविजन सर्विसेज अपने सिग्नल्स के थ्रू प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये सैटेलाइट और भी जो डेटा ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजीज हैं उसके लिए यूज़ में आएगी। इसके अलावा GSAT 30 के अलावा भी काफ़ी सारी इंडिया के पास सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशन, जैसे कि INSAT 4 भी, INSAT 4 CR, GSAT 6, 7, 8, ऐसे काफ़ी सारी हैं। तो अभी ये रिसेंटली GSAT 30 थी तो इसलिए GSAT 30 के बारे में पूछा जा सकता है, बाकी तो काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं तो हर चीज़ के बारे में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जेमिनी। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है जेमिनी गगन इनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन इंफॉर्मेशन। तो ये काम क्या करता है? ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है डीप फिशरमैन्स को उनकी नेविगेशन के बारे में और उनकी लोकेशन के बारे में, और ये यूज़ करता है सैटेलाइट डेटा को। अभी जो जेमिनी डिवाइस है गगन इनेबल्ड है, तो गगन का मतलब क्या है? अब गगन एक ऐसा नेटवर्क है जो कि नेविगेशन के लिए यूज़ होता है और इसको बनाया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और इसरो ने मिलकर। इससे क्या होगा, जो सैटेलाइट का नेविगेशन डेटा है ये उसको इम्प्रूव करता है ये सिस्टम, और ये ऐसा पहला सिस्टम है वर्ल्ड का जो कि इक्वेटोरियल आयनोस्फेरिक रीजन में यूज़ हो सकता है। अब ये ऑब्वियसली सैटेलाइट बेस्ड है तो इसमें 3 सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, GSAT 8, GSAT 10 और GSAT 15 का, और ये एंटायर इंडियन ओशन को कवर करता है और ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका का पूरा एरिया कवर करता है ये। अब इसी तरह जैसे जेमिनी बनाया गया है फिशरमैन्स के लिए, वैसे ही रेलवेज ने एक सिस्टम बनाया रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब ये सिस्टम भी गगन का जो नेटवर्क है, गगन सैटेलाइट का नेटवर्क है, वो यूज़ करके ट्रेन की प्रिसाइज स्पीड और मूवमेंट को नापता है। इसके अलावा जेमिनी और भी काम करता है, जैसे कि इफ़ेक्टिव और सीमलेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एमरजेंसी डिजास्टर्स के बारे में, या फिर जो फिशिंग जोन्स हैं उनके बारे में, या फिर ओशन में कोई भी फॉरकास्ट है ओशन का वेदर वगैरह, तो वो भी ये फिशरमैन को बताता है। अब ये काम कैसे करता है? ये एक डिवाइस है जो कि मोबाइल से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और मोबाइल में डेटा डिस्प्ले करता है। ये बनाया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में आती है वो, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। अब ये डिवाइस ब्लू रेवोल्यूशन में भी हेल्प करता है क्योंकि ऑब्वियसली इसके यूज़ के थ्रू फिशरमैन ज़्यादा फिशेज पकड़ सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से सारे काम हो सकते हैं, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कि 22 से लेकर 370 किलोमीटर तक का होता है, तो उसका अच्छे से यूज़ कर सके फिशरमैन, क्योंकि उनके पास ये डिवाइस होगा तो उनके पास डेटा अच्छे से होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक PFZ फोरकास्ट भी निकाली है जो कि कौन डेवलप करता है? इनकॉइस। इनकॉइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इससे क्या फ़ायदा होता है कि फिशरमैन को 3 डेज पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फिशिंग जोन्स के बारे में, जिससे क्या होता है कि उनका फ्यूल बच जाता है एक तो,
उन्हें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, और जो फिश वो ज़्यादा पकड़ पाते हैं, 2 से 5 गुना ज़्यादा फिश पकड़ पाते हैं। तो अब अगला टॉपिक है इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। अब इंडिया ऐसा प्लान कर रहा है कि वो अपनी स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग के लिए, जैसे कि एक सैटेलाइट और सैटेलाइट पर नज़र रख पाए, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना चाह रहा है। तो उसके लिए वो नई सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, तो उसका नाम रखा गया इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। अब इसमें क्या होगा कि इसमें 2 सैटेलाइट्स होंगी जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखी जाएंगी, और वो और जो भी सैटेलाइट्स हैं इंडिया की लो ऑर्बिट्स में या फिर कोई भी, तो उन पे नज़र रखेंगी, उनका सारा डेटा रियल टाइम में ट्रैक करेंगी कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है और वो कहाँ पे है। इससे और भी फायदे होंगे, जैसे कि अभी गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है, तो उसमें जो क्रू मेंबर्स हैं उनको काफ़ी फायदा होगा कि वो ट्रैक कर पाएंगे कि आसपास की सैटेलाइट्स और कहाँ पे हैं। इससे आगे चल के जो हमारे मिशंस होने वाले हैं उसमें स्पेस डॉकिंग के लिए, क्योंकि स्पेस डॉकिंग के लिए मतलब कि कोई स्पेस क्राफ्ट है हमें उसमें एंटर होना है, तो उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आगे के जो मून के मिशन है या मार्स के मिशन है उसमें काम आएंगे। और इससे जो हमारे ग्राउंड स्टेशन है, मतलब ग्राउंड पे हमारे कुछ स्टेशन लगे हुए हैं जो कि इन सेटेलाइट्स को हमेशा ट्रैक करते हैं, हमेशा उन पर नज़र रखते हैं, तो जब अगर सेट ऑल ऑलरेडी एक सेटेलाइट हो जाएगी स्पेस में, तो जो ग्राउंड के स्टेशन है उन पर डिपेंडेंसी कम हो जाएंगी। अगर वो ग्राउंड के स्टेशन बाई चांस कभी किसी वजह से ख़राब होते हैं, फिर भी हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन सेटेलाइट की रहेगी। अब ऐसी पहली सेटेलाइट को इंडिया 2020 के एंड तक लॉन्च करने वाला है, और दूसरी सेटेलाइट 2021 तक। अब इसके बाद इंडिया ऐसी लिस्ट में आ जाएगा जिनके पास ऑलरेडी ऐसे सिस्टम्स हैं, जैसे कि US, चाइना, जापान, यूरोप, उनके पास ऐसे सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अगला टॉपिक है कार्टोसेट 3। अब इसरो ने रिसेंटली अभी कार्टोसेट 3 और 13 और कॉमर्शियल नैनो सेटेलाइट्स लॉन्च की थी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अब इन्हें कॉमर्शियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये और कंट्रीज की सेटेलाइट है जो कि इसरो ने लॉन्च करी थी, और इसरो ने उनसे पैसे लिए थे इस चीज़ के। अब कार्टोसेट 3 सेटेलाइट कौन सी होती है? ये एक थर्ड जनरेशन सेटेलाइट होती है जिसका कैपेबिलिटी मेनली होती है हाई रिजोल्यूशन फोटोज़ लेने के लिए, और इसकी जो मिशन लाइफ होती है वो 5 साल होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर कार्टोसेट 3 के बाद कार्टोसेट 3A और 3B भी लॉन्च करेगा इसरो, और ये सेटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट में रखी जाती हैं जिसका एल्टीट्यूड होता है 509 किलोमीटर। इनका मेनली काम ये होता है कि अर्थ की मैपिंग करती हैं हाई रिजोल्यूशन कैमरा का यूज़ करके, और कोई भी ज्योग्राफिकल चेंजेस होते हैं तो उनको मेज़र करती है ये। और इन सेटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो ये वाला ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट से जब अर्थ को देखा जाता है तो हमेशा अर्थ पे रोशनी रहती है, और ये सैटेलाइट क्योंकि मैपिंग के लिए यूज़ होती है, तो इसमें ये ज़रूरी है कि अर्थ हमेशा उस एरिया में जहाँ पे सैटेलाइट मैप करी है उसमें रोशनी हो। इसका लॉन्च व्हीकल था PSLV C-47। अब इसके लिए इसरो ने विक्रम नाम का प्रोसेसर बनाया था जो कि इंडिजिनियस है, उसको पहली बार इस सैटेलाइट में यूज़ किया गया था इसके नेविगेशन के लिए। और विक्रम प्रोसेसर को मेनली बनाया गया है रॉकेट नेविगेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, कंट्रोल के लिए, या फिर कोई भी जनरल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे कार्टोसेट 3 या 3A और 3B भेजने के? ये मेनली तो जो कि यूज़र डिमांड्स जो कि अर्बन प्लानिंग के लिए है, या रूरल रिसोर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कोस्टल लैंड के लिए, लैंड कवर के लिए है, मतलब मेनली ये मैपिंग करेगी, तो उससे हमारे पास ये सारा डेटा आएगा। उसके बाद ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, लैंडस्लाइड आ जाती है, तो वो हम सेटेलाइट से डायरेक्टली देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। और ये मिलिट्री रिकोनाइंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई अगर मिलिट्री या कोई जहाज़ खो गया है या फिर कहीं पर गिर गया है तो वो कहाँ पर है इसको हम देख सकते हैं सेटेलाइट के थ्रू। अब इसके अलावा कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कार्टोसेट सेटेलाइट के बारे में। मेनली अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, इसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरास लगे होते हैं, और मेनली जो भी नेचुरल ज्योग्राफिकल या फिर मैनमेड फीचर्स का चेंजेस होते हैं उनको ये देखता है। अब पहली कार्टोसेट 1 लॉन्च हुई थी 2005 में, फिर दूसरी हुई थी 2007 में। अब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कार्टोसेट 2A टू 2F लॉन्च हुई थी जो कि माना जाता है मिलिट्री के लिए, बट ऑल दो ये जानकारी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी याद करना बेकार ही है। उसके अलावा 13 और नैनो सेटेलाइट्स हमने लॉन्च करी थी और USA की। अभी उनके नाम वगैरह इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इसरो की कॉमर्शियल आर्म है उस चीज़ का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड।
ये सारे अरेंजमेंट करती है कॉमर्शियल चीज़ों को लेने की, ये किस कंट्री से कौन सी सैटेलाइट लेनी है या फिर इसरो किसकी भेजेगा, उसका अमाउंट क्या होगा वगैरह वगैरह, सब कुछ ये चीज़ करती है। तो अगला टॉपिक है रीसेट 2PR1। अब जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसने अपनी गोल्डन जुबली कंप्लीट कर ली थी, और जो 50th सैटेलाइट लॉन्च हुई है इसके द्वारा वो है रीसेट 2PR1। और इसके अलावा 9 और सैटेलाइट लॉन्च हुई थी श्रीहरिकोटा से जो कि कॉमर्शियल थी। अब ये 2PR1 क्या है? ये रीसेट 2PR1 एक रिटायर इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि रीसेट 2B सीरीज के अंडर में आती है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि रिटायर से ऑब्वियसली रडार्स इमेज वगैरह लेने के काम में आते हैं जो कि माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं, तो इससे इंडिया की इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। अब जैसे कि ये वाली इमेज है, ये ग्राउंड स्टेशन पर रडार हैं इतने बड़े बड़े, इसी तरीके से सेटेलाइट में भी रडार लगाए जाते हैं। तो जो रीसेट 2PR1 भेजी गई है इस बार सेटेलाइट, उसमें इतना पावरफुल रडार है कि वो 35 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो दो ऑब्जेक्ट को बता सकता है कि ये डिफरेंट है, और ये एरिया कवर करेगा 5 से 10 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेगा एक बार में। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया हुआ है जो कि दिन में तो पिक्चर्स ले ही सकता है, बल्कि ये रात में भी ले सकता है और क्लाउडी कंडीशन में फिर भी ले सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? ये एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कोस्टल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो हमें बॉर्डर पे इतनी दिक्कत होती है उस पर सर्वेलेंस रखने के लिए काम में आएगा। इसकी जो मिशन लाइफ होगी 5 साल की होगी, और इसरो ने इससे पहले भी 2 सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च करी थी, रीसेट 1 और रीसेट 2 भी, बट रीसेट 1 अब ऑपरेशनल नहीं है, बस रीसेट 2 ही है। तो रीसेट 2 के बाद ये वाली सैटेलाइट भेजी है, रीसेट 2PR1। अब रीसेट 2 तब भेजी गई थी जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज की सर्विलेंस कैपेबिलिटी बूस्ट करने के लिए रीसेट 2 को जल्दी जल्दी भेजा गया था। अब अगला टॉपिक है न्यू स्पेस इंडिया। अब रिसेंटली जो इसरो है उसने अपनी कॉमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का लॉन्च किया था जो कि बेंगलुरु में है। अब इसरो जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट करता है उसको कॉमर्शियली यूटिलाइज करने के लिए, उसके थ्रू पैसे बनाने के लिए ये वाली आर्म को लॉन्च किया था, जो कि डेडिकेशन इसीलिए डेडिकेटली इसी के लिए काम करेगी। अब इसका जो इनिशियल कैपिटल था वो 100 करोड़ था, और जो इनिशियल पेडअप कैपिटल है वो 10 करोड़ है। अब इसका कैपिटल वगैरह कितना है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी एक इसरो की एक आर्म है जिसका नाम ये है और ये बेंगलुरु में है, दैट इज़ इनफ। मेन काम जो NSIL करेगी ये वही कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करे स्पेस प्रोग्राम्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स देगी उनको, उनके थ्रू टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा। कोई जो छोटे व्हीकल बनाते हैं, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, तो उनको मैन्युफैक्चर, उनको प्रोड्यूस करवाना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके, कि हम इंडस्ट्री के थ्रू इसरो अपने आप ना बना के किसी इंडस्ट्री के थ्रू ये सब चीज़ बनवा पाए, इससे आउटसोर्स करके जल्दी काम हो जाए। उसके अलावा जो सेटेलाइट बिल्डिंग का काम है, सेटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हैं, हमें और दूसरी कंट्रीज की सेटेलाइट को इसे इसरो छोड़ के आता है, तो उस तरीके से जो भी सर्विसेज हैं वो सब ये हैंडल करेगी। इसके अलावा भी NSIL के अलावा भी इसरो की एक काम है जिसका नाम है अंतरिक्ष, ये भी बेंगलुरु में ही है और ये भी कॉमर्शियल आर्म है, और ये भी जो इसरो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अंडर से जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है उसको कॉमर्शियली मार्केट में लाने की कोशिश करती है। 2008 में इसको मिनी रत्ना का स्टेटस मिल गया था। अब नेक्स्ट है हमारे अदर इसरो मिशंस, जिसमें कि सबसे पहले है आदित्य 11 मिशन। तो जो आदित्य 11 मिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि 2021 के लिए प्लान्ड है, और इसमें सबसे हम जो स्टडी करने वाले हैं वो सोलर कोरोना को स्टडी करने वाले हैं। और सोलर कोरोना क्या है? कोरोना जो सन की टॉप मोस्ट लेयर को कोरोना बोलते हैं। तो जो ये स्पेसक्राफ्ट है ये हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा L1 पॉइंट के अराउंड में। L1 पॉइंट कौन सा होता है? सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट को हम L1 पॉइंट कहते हैं, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। अभी इसरो का ऐसा पहला साइंटिफिक एक्सपेडिशन है जो कि सन को स्टडी करेगा। 400 किलो की सेटेलाइट होगी, और जिसे हम पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेंगे। इसमें 7 पेलोड होंगे, ऐसे तरीके के 7 इक्विपमेंट्स होंगे जिससे हम सूरज की जो कोरोना की लेयर है उसको स्टडी करेंगे। सोलर एमिशंस हो के होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सोलर विंड्स होती हैं, मास इजेक्शंस होते हैं, और अराउंड द क्लॉक सन की इमेजेस लेगा जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सन के बारे में पता लग सके। नेक्स्ट टॉपिक है एस्ट्रोसेट। अब एस्ट्रोसेट
इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसने ऑर्बिट में 4 साल पूरे कर लिए हैं। अब ये काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स इसमें लगे हुए हैं जिसकी थ्रू ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मीटियोर हो गए, स्पेस डेब्रिस हो गया और सैटेलाइट हो गई, तो उस पर नज़र रखती है और उनकी रीडिंग ग्राउंड स्टेशन जो है वो प्रोवाइड करती रहती है। अब जैसे नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप है तो इसे उसका छोटा वर्जन भी कहा जा सकता है। अब इसमें 5 पेलोड लगे हैं, अब जिनके नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो उन्हें याद नहीं रखना है। इसके अलावा भी अभी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स बची हैं, इसरो के मिशन बचे हैं, तो उन्हें हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड फिर मिलते हैं। जय हिंद।